जय माता पाल, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जी आज का जो मेरा वीडियो है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। जी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई हुई है ट्रेड्समैन मेट की, फायरमैन की, मटेरियल असिस्टेंट की, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, फायरमैन, कारपेंटर, पेंटर, एमटीएस की आप लोग की वैकेंसी। जी हाँ, इसके ऑनलाइन अप्लाई आप लोग स्टार्ट हो चुके हैं 2 दिसंबर 2024 से 22 दिसंबर 2024 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करते समय बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर लिया है तब भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ताकि आने वाली प्रॉब्लम से आप दूर रह सकें। तो क्या है प्रॉब्लम, इससे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दे दूंगा और इसके अलावा नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा। तो नोटिफिकेशन वाले लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं आप लोग देखेंगे नोटिफिकेशन आप लोग का यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। जी हाँ, अच्छी वैकेंसी है, वैकेंसियों की जानकारी आप लोग ले लेंगे फॉर्म अप्लाई करने से पहले। इसमें ट्रेड्समैन मेट की और इसके अलावा फायरमैन की वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। इन दोनों पोस्टों पे यदि आप लोग 10th क्लास पास हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मटेरियल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए आप लोग 10th प्लस ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, एज वगैरह की जानकारी भी आप लोग को नोटिफिकेशन में दी गई है। तो सभी डिटेल आप लोग पढ़िए नोटिफिकेशन में, उसके बाद आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिए। एज वगैरह की जानकारी आप लोग को दी गई है। जी हाँ, फायरमैन और ट्रेड्समैन मेट के लिए जनरल से हैं तो 18 से 25, ओबीसी से हैं तो 18 से 28, एससी एसटी से तो 18 से 30 साल तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज जो आप लोग की काउंट होगी फॉर्म अप्लाई की, लास्ट डेट यानी कि 22 दिसंबर 2024 को आप लोग की फॉर्म मींस एज यहां पे काउंट होनी है। तो इस प्रकार से आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, फॉर्म को अप्लाई कीजिए। फॉर्म अप्लाई का वीडियो मैंने आप लोग को प्रोवाइड किया है, नोटिफिकेशन का वीडियो भी प्रोवाइड किया है। तो ऑनलाइन अप्लाई में क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं आप लोग को क्लियर करता हूं। जी हाँ, जब आप लोग जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे आप लोग का आईडी पासवर्ड वगैरह क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ डिटेल, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर करूँ, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहां पे ओटीपी, जी हाँ ओटीपी में भी आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है, ओटीपी वगैरह आने में प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे बोल रहे हैं कि सर ओटीपी हमारे मेल पे नहीं आया, मोबाइल पे तो आ गया है। तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, आप लोग जो भी मेल वगैरह है उसे ओपन करते हैं तो एक बार आप लोग स्पैम में जरूर जाइए। जैसे ही आप लोग स्पैम में जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पे आपका मैसेज देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने स्पैम का बटन दबाया और यहाँ पे माई वेरिफिकेशन कोड ऑफ ऑर्डिनेंस एप्लीकेशन, तो मेरा खुद का कोड यहाँ पे जब मैं ऑनलाइन अप्लाई कर रहा था तो स्पैम बॉक्स में ही आया था। तो इस प्रकार से यदि आप लोग का इनबॉक्स में नजर नहीं आ रहा तो आप लोग स्पैम फोल्डर आप लोग जरूर देख लेंगे, आप लोग को ऑर्डिनेंस वाला जो ओटीपी है यहाँ पे मिल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट था आप लोग के लिए। चलिए, ओटीपी वाली बात यहाँ पे क्लियर होगी। अब बात ये आती है फॉर्म अप्लाई के समय, जी हाँ बच्चे परेशान हो रहे हैं पासवर्ड। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप लोग को एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है, उस पासवर्ड को क्रिएट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, कई बार एरर वगैरह आ रही हैं। तो देखिए मैंने आप लोग को जानकारी यहाँ पे दी है कि जैसे ही आप लोग पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो पासवर्ड आप लोग को स्ट्रांग पासवर्ड बनाना है। स्ट्रांग पासवर्ड का मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि आप लोगों में न्यूमेरिकल वर्ड भी हो, अल्फाबेट भी हो और इसके अलावा कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो। जैसे आप लोग देख सकते हैं मैंने अल्फाबेट के अंतर्गत MUKES लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे M मैंने कैपिटल लिखा, यानी कि कैपिटल में भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, इसके अलावा कुछ नंबर्स हो, कोई भी नंबर आप लोग रख सकते हैं जो कि आपको याद रहे। इसके अलावा कुछ स्पेशल जैसे कि हैश लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग @ भी लिख सकते हैं और भी कई चीजें आप लोग लिख सकते हैं, एंड भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आप लोग को सूट करे, जो भी आप लोग याद कर सके उस प्रकार से लिखेंगे। और मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो आपके होने ही चाहिए, फिर आप लोग 9 10 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 वर्ड तो आप लोग के यहाँ पे होने ही चाहिए मिनिमम। तो इस प्रकार का आप लोग पासवर्ड बनाइए, अगर फिर भी एरर आती है तो अपने पासवर्ड को आप चेंज करते रहिए। जी हाँ, चेंज करते रहिए, जैसे ही सिस्टम को लगेगा कि स्ट्रांग पासवर्ड है तो बिल्कुल आप लोग का पासवर्ड एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन पासवर्ड में अल्फाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आप लोग जरूर डालेंगे, पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि मना करता है दोबारा से चेंज कीजिए, दोबारा से पासवर्ड बनाइए, नया बनाइए, आप लोग का एक्सेप्ट होगा, घबराइए मत। चलिए, इसके अलावा देखिए पर्सनल डिटेल में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं पर्सनल डिटेल आप लोग का जो भी भरना है ठीक ठाक आप लोग भर सकते हैं, सारी डिटेल आप लोग की रजिस्ट्रेशन से उठा लेता है।
ठीक है, इसमें आप लोग को बस मैरिटल स्टेटस, आइडेंटिफिकेशन मार्क, स्टेट वगैरह आपका कहाँ का है, यही सब आप लोग को डालना पड़ता है। बाकी आप लोग को कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ती है। इसे आप लोग सेव कर लेंगे। इसके बाद आप लोग को एडिशनल एजुकेशन डिटेल भरा, देखिए एजुकेशन डिटेल में आप लोग को क्लियर कर दूं, जो क्वालिफिकेशन आप लोगों से मांगी गई है उसी की डिटेल डालिए, ज्यादा आप लोग टेंशन ना ले। जैसे कि आप लोगों ने ट्रेड्समैन मेट और फायरमैन के लिए अप्लाई किया हो तो टेंथ क्लास पास पे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो टेंथ की डिटेल आप लोग को रोल नंबर डालना है, स्कूल का नाम, स्टेट कौन सा है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, और यहाँ पे जो है CGPA और जो आपका ग्रेडिंग सिस्टम है इसको लेकर के स्टूडेंट परेशान है। तो देखिए जो आपके टोटल मार्क्स है वो आप लोग डाल देंगे। यदि आप लोग का CGPA या ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह है तो आपको इस बॉक्स पे टिक करना है, और इसके बाद जो भी आप लोग का CGPA ग्रेड और मीन्स जो भी ग्रेड वगैरह है वो आप लोग डालेंगे। इसके बाद जो एग्रीग्रेड परसेंटेज आपका बनता है आपकी मार्कशीट पे फॉर्मूलाज वगैरह दिए होंगे, ठीक है, उसके अनुसार आप लोग को फॉर्मूला जो है परसेंटेज वगैरह यहाँ पे लिखनी है। और यदि CGPA नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इस पर टिक नहीं करेंगे। टोटल मार्क और कितने नंबर आप लोगों ने प्राप्त किए हैं, जैसे ही आप वो डालेंगे आपके जो है एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा कुछ अदर क्वालिफिकेशन आप लोग डालना चाहते हैं तो मैंने आप लोग को बताया है, ट्वेल्थ की डिटेल, उसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह की डिटेल आप लोग डाल सकते हैं। और यदि आप लोग कोई डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, उसको पूरा भरेंगे नहीं तो बाद में आप लोग को एरर देगा और आप लोग को पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप लोग अदर डिटेल देना चाहते हैं दीजिए, नहीं देना चाहते मत दीजिए। यदि जरूरी है तो आपको देना होगा, जरूरी नहीं है तो देने की जरूरत नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसके अलावा आप लोग इसे सेव कर लेंगे डिटेल देने के बाद। इसके बाद आप लोग की बारी आती है अदर डिटेल। अदर डिटेल में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए स्टूडेंट परेशान होते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लोग के पास है तो इसके डेट को लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, सर मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट है। तो कोई टेंशन नहीं है, सर्टिफिकेट है तो आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोग पूछिए। जी हाँ, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट नंबर तो आप लोग डाल ही सकते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी सर्टिफिकेट है उसको आप लोग का सर्टिफिकेट का नंबर या फिर डॉक्यूमेंट का नंबर दिया होगा वो नंबर आप लोग डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए और इशू डेट सभी सर्टिफिकेट पे होता है, कोई भी सर्टिफिकेट हो आप लोग का ओबीसी, एससी, एसटी, इशू डेट आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, क्या ईयर है, क्या मंथ है और इसके अलावा क्या डेट है आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अथॉरिटी का नाम यहाँ पे आप लोग को दिया होगा, किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया होगा, उसकी मोहर लगी होगी, डिपार्टमेंट का नाम लिखा होगा, वो आप लोग अथॉरिटी का नाम यहाँ पे लिख देंगे, कौन सी अथॉरिटी है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट है, तहसीलदार है, डीएम, एसडीएम जो भी है आप लोग लिखेंगे। इसके अलावा स्टेट आप लोग का क्या है, किस स्टेट से इसे इशू किया गया है वो भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट क्या है इसकी डिटेल भी आप लोग को सर्टिफिकेट पे दी होगी, आपको पता होगी, वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब बारी यहाँ पे आती है डेट डालने की, तो यहाँ पे देखिए अगर लाइफ टाइम वैलिड लिखा है नहीं लिखा, यदि ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो लाइफ टाइम वैलिड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आप लोग को यहाँ पे नो करना होगा कि मतलब कि यहाँ पे लाइफ टाइम वैलिड नहीं है। तो अब बच्चे परेशान है, सर ये वैलिड अप टू क्या डालें, हमारे सर्टिफिकेट पे वैलिड अप टू नहीं दिया है, इशू डेट तो हमें दिया गया है लेकिन वैलिड कब तक है इसकी डिटेल नहीं दी गई है, सर हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करें। तो देखिए मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आप लोग आते हैं, सेंट्रल का आप लोग का सर्टिफिकेट है तो आपकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर की होती है, ध्यान रखिएगा। स्टेट का आप लोग का है तो 3 ईयर का होता है, सेंट्रल नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी है 1 साल वैलिडिटी होती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो इशू डेट आप लोग के सर्टिफिकेट का लिखा होगा, इसके बाद में आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो आप लोग को ईयर सेलेक्ट करना है मीन्स यहाँ पे आप लोग का ईयर है, मान के चलिए आप लोग का 2022 का है, ठीक है, 2022 मंथ है आप लोग का अप्रैल, और इसके अलावा जो आप लोग का डे है 10 अप्रैल 2022 का आप लोग का इशू डेट है, 10 अप्रैल 2022 का आप लोग का इशू डेट है तो वैलिड ये रहेगा आप लोग का 23, जी हाँ 23 तक रहेगा, 1 मार्च 2023 तक आप लोग का ये वैलिड रहेगा, 31 मार्च 2023 तक आप लोग का ये वैलिड रहेगा, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। जी हाँ, तो ये है आप लोग का वैलिड टाइम, यानी कि 1 ईयर के लिए आप लोग का वैलिड होता है। अब यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट अप्रैल की बजाय यदि नवंबर 2022 में भी यदि इशू किया गया है तो आप लोग का वैलिड टाइम जो है यहाँ पे 2023 ही रहेगा, जी हाँ 2023 रहेगा, और मंथ आप लोग का मार्च ही रहेगा, और यहाँ पे जो है आप लोग का डे 31 ही रहेगा। फिर चाहे ये नवंबर 2022 में ही इशू क्यों ना किया गया हो, जी हाँ मैं आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर दूं, क्रूशियल टाइम जो आप लोग का
जो जो इसका पीरियड होता है वो यही होता है वैलिड, आप लोग का जो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। इसके बाद न्यू सेशन आप लोग का जो स्टार्ट होता है उसमें आप लोग का जो न्यू सर्टिफिकेट इशू होता है। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग को 31 मार्च 2023 या फिर 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2022 जो भी है आप लोग का, वो आप लोग को डालनी होगी। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे ओबीसी वाले स्टूडेंट, और सेंट्रल का ही आप लोग को सर्टिफिकेट लगाना है, स्टेट का सर्टिफिकेट यहाँ नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यदि आप लोग एससी से हैं तो एससी का सर्टिफिकेट, इशू डेट वगैरह आप लोग को दिया होगा, अथॉरिटी का नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह डाल देंगे, और एससी के सर्टिफिकेट में आप लोग को क्लियर कर दूं, लाइफ टाइम वैलिड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से एसटी की डिटेल डालेंगे और यहाँ पे आप लोग लाइफ टाइम वैलिड यहाँ पे यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को आ रही है, तो करंट का जो आप लोग का पीरियड होता है उसी का होता है। यदि ईडब्ल्यूएस डालेंगे तो ईडब्ल्यूएस में भी आप लोग को यहाँ पे लाइफ टाइम नो करना होगा, और ईडब्ल्यूएस की भी डेट आप लोग की इसी प्रकार से होती है। यहाँ पे यदि 2022 नवंबर में इशू किया गया है तो 31 मार्च 2023 तक ही वैलिड रहेगा। 1 अप्रैल 2024 से नया सेशन, न्यू सर्टिफिकेट आप लोग का इशू होता है। ध्यान रखिएगा ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस दोनों के साथ ही यही है। तो आपका 2022 में इशू हुआ है तो मार्च 2023 तक वैलिड है, और यदि आप लोग का 2023 में इशू हुआ है तो आप लोग का मार्च 2024 तक वैलिड है, 2024 में इशू हुआ है तो मार्च 2025 तक आप लोग का वैलिड है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। जी हाँ, 1 अप्रैल 2024 से, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की वैलिडिटी रहेगी। यदि आप लोगों ने करंट में बताया नॉन क्रीमी लेयर वैलिड रहेगा 31 मार्च तक, ईडब्ल्यूएस भी आप लोग का 31 मार्च तक रहेगा। अब आप लोगों ने 2022 में बनाया है, 2023 में बनाया है, तो उसी प्रकार से आप लोग का ईयर यहाँ पे बढ़ जाएगा, एससी एसटी लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा। तो यही प्रॉब्लम बच्चों को आ रही थी, डेट डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आप लोग देखेंगे, तो यदि आप लोग ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से आते हैं तो आप लोग को सर्टिफिकेट तैयार करना होगा। यदि आप लोग का दोबारा पुराना सर्टिफिकेट है 2021, 2022, 2023 का भी है, वो भी आप लोग का वैलिड नहीं होगा। जी हाँ, 2023 का भी जो सर्टिफिकेट आप लोगों ने बनवाया होगा वो ज्यादा से ज्यादा 2024 मार्च 2024 तक वैलिड होगा। तो 2025 तक के लिए आप लोग को इस रिक्रूटमेंट के लिए न्यू सर्टिफिकेट उसे रिन्यू कराना ही होगा, जो कि आप लोग का मार्च 2025 तक वैलिड रहे। तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बिल्कुल करंट ईयर का लेकर के चलेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की डिटेल आप लोग देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे बोल रहे हैं सर लाइव फोटो अपलोड करते हैं, कैसे भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। लाइव फोटो अपलोड करने के लिए इस पर क्लिक करके आप लोग का फोटोग्राफ आ जाएगा, कैमरा होना चाहिए, उसे आप लोग क्लिक कर देंगे, आप लोग का अपलोड हो जाएगा। नहीं तो आप लोग डॉक्यूमेंट डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोग को। साइज आप लोग को बताया गया, डिक्लेरेशन वगैरह मैंने आप लोग को बता दिया। एग्जाम सिटी सेंटर आप लोग सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप लोग के 5 एग्जाम सिटी सेंटर हैं, नियरेस्ट है आप लोग के, जहां पे वैकेंसी वगैरह हो उस प्रकार से आप लोग एग्जाम सिटी सेंटर सेलेक्ट कीजिए, ताकि जल्द से जल्द आप लोग को जो है सेंटर अलॉट हो सके। आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कीजिए, वैकेंसी वगैरह वहां पे देख लेंगे आपकी है या नहीं, वहां पे एग्जाम सेंटर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उसके अनुसार आप लोग एग्जाम सिटी सेंटर डालिए। इसके अलावा पोस्टिंग रीजन, जहां भी आप लोग की पोस्टिंग चाहते हैं वो आप लोग पहले सेलेक्ट करेंगे, वैकेंसी आप लोग देख लेंगे उस रीजन में वैकेंसी है या नहीं, उसके अनुसार आप लोग जो है पोस्टिंग की डिटेल डालेंगे। मैं सबसे पहले नॉर्थ में जाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद साउथ में जाना चाहता हूँ, यदि मेरा सिलेक्शन होता है, मेरे नंबर अच्छे हैं तो मुझे कहाँ पोस्टिंग मिलनी चाहिए, बस यही चीजें हैं। आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए, अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, जान पर देखूंगी जानकारी, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू सो मच।